वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ वंदना। कैसे हो आप सब? केम छो तमे? आई होप कि आप सब मस्त होगे, ठीक होगे और मजा होगे। दीदी, हमें आपके जैसा टाइम नहीं होता है। फेशियल ऑयल, फेस क्रीम, फेस पैक, मॉइस्चराइजर, इतना टाइम नहीं होता है। जस्ट 2 मिनट होती है हमारे पास। क्या आप 2 मिनट की कोई रेमेडी हमें बता सकते हो? यस, तो आज मैं आपको सिंपल 2 मिनट की रेमेडी बताने वाली हूँ, जिससे आप आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। देखिए, हम सबको हमारे चेहरे के ऊपर रिंकल्स, चाइया, खास करके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं और मानसून के सीजन में पोर्स हमारे बहुत ज़्यादा क्लोग्ड हो जाते हैं। और अगर आप आपके पोर्स को क्लीन नहीं करते हो तो ऑब्वियसली धीरे धीरे करके यही चीज़ ब्लैकहेड एंड वाइट हेड में कन्वर्ट हो जाती है। और हम सबको हमारी स्किन को क्लियर रखना चाहिए, ठीक है। आज मैं आपको एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि जिसको ना बोला जाता है, जिसको नहीं बोलते हैं कि नाम एक गुण अनेक। तो ये एक सिंपल वाटर बताने वाली हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है या तो बिजी बहुत ज़्यादा स्केड्यूल रहता है। कल ही मुझे एक कमेंट आई थी कि बहुत ज़्यादा हाँ मेरा स्केड्यूल बिजी है, तो कुछ सिंपल आसान बट इफ़ेक्टिव रेमेडी मुझे बता दीजिए। तो आज की रेमेडी वैसी ही है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। जस्ट आपको लाइक करना है, वो टोटली फ्री है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वो मैजिकल एंड वंडरफुल इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी। अब अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता ही होगा कि ग्रीन टी के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा बखान किए कि ग्रीन टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके पीनी बिल्कुल नहीं पसंद है। आई नो कि ग्रीन टी हेल्दी होती है, बट जब स्किन के ऊपर लगाने की बात आती है तो मैं एवर रेडी होती हूँ, क्योंकि ग्रीन टी हमारे पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, हमारी स्किन को स्पॉटलेस बनाने के लिए और खास करके हमारे एजिंग के मार्क्स को डिले करने के लिए बेहतर काम करती है। और बहुत सारी स्टडी में पाया गया है, साइंटिस्ट जो लोग होते हैं ना, जो लोग रिसर्च करते रहते हैं, उन्होंने रिसर्च किया है कि ग्रीन टी स्किन कैंसर में भी बहुत इफेक्टिव रहती है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबायल ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो स्किन की प्रॉब्लम को हील करने के लिए काम आती है। आपके पास कोई भी ग्रीन टी है वो ले लीजिए। मार्केट में अभी ग्रीन टी सिंपली अवेलेबल रहती है। आप कोई भी ग्रोसरी स्टोर में जाते हो तो वहाँ पर से भी आपको ग्रीन टी मिल जाएगी। यहाँ पर मैं गुड वाइब्स प्लस रेंज की जो ये हिबिस्कस एंड रोइबोस की स्किन ग्लोइंग एंड स्किन प्यूरिफाइंग ग्रीन टी वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी करंटली यही अवेलेबल थी। 1 चम्मच ग्रीन टी आपको लेनी है और उसके अंदर आपको वार्म वाटर यानी हल्का गुनगुना पानी ऐड करके इसको आपको 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, ताकि ग्रीन टी की सारी जो गुडनेस है ना वो ये पानी के अंदर आ जाएगी। ओके, मैंने यहाँ पर हिबिस्कस ग्रीन टी यूज़ की है। हिबिस्कस का मतलब है गुड़हल, यानी जिसको जासूद का फूल बोलते हैं, इसीलिए मेरे ग्रीन टी का पानी यहाँ पर रेड कलर का बनेगा। अगर आपने जो नॉर्मल ग्रीन टी आती है वो लिए तो आपका पानी ग्रीन कलर का बनेगा। तो ऐसा मत सोचना कि दीदी आपका पानी रेड बना, हमारा पानी ग्रीन बना, ठीक है। मैंने यहाँ पर हिबिस्कस गुड़हल के लिए इसीलिए। तो 15 मिनट्स के बाद जब आप देखोगे ना तो आपका पानी ग्रीन टी का रेडी हो चुका होगा स्किन के ऊपर यूज़ करने के लिए। अब देखिए, ग्रीन टी वैसे ही इतनी फायदेकारक होती है कि सिंपल पानी आप लगा लोगे ना तो भी आपको फायदा होगा। बट अब 1-2 इंग्रेडिएंट और भी हम यहाँ पर मिलाएंगे। सिंपल यहाँ पर मैं रोज वाटर मिलाऊंगी 1 चम्मच जितना, क्योंकि रोज वाटर एंड ग्रीन टी बहुत ही अच्छा एक टोनर का काम कर देते हैं। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स मेरी चैनल में आते हैं कि जिनको इतना टाइम भी नहीं होता है। अगर आपको ग्रीन टी का अल्कोहल फ्री टोनर चाहिए तो ये प्लम का ग्रीन टी टोनर ले सकते हो। बहुत सारे व्यूअर्स जिनकी कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन स्किन होती है ना, उनके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एक तो अल्कोहल फ्री टोनर है, तो ये भी आप ले सकते हो। लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगी। अब हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोनर कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। ये पानी की खास बात ये कि आप इसको आराम से 10 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी बार बार झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, झंझट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। उल्टा जिनको लगता है ना कि फेस क्रीम लगाने के बाद या तो फेशियल ऑयल लगाने के बाद या तो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली, चिपचिपी एंड ग्रीसी हो जाती है, तो उनके लिए ये टोनर बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा। और ये टोनर बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, नॉन ग्रीसी है इसका फॉर्मूला एंड जस्ट सिंपल ये पानी है। आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने में ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा। सिंपल सा कॉटन आप ले लीजिए, इसे आपको दिन में 2 बार अप्लाई करना है, एक तो मॉर्निंग में
जब आप नहा लेते हो, आपका चेहरा धो लेते हो, तब आपको अप्लाई करना है। एंड सेकेंड, आपको नाइट में अप्लाई करना है, क्योंकि ग्रीन टी में जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो धीरे धीरे करके आपकी स्किन को रिजुवेनेट करने के लिए और फिर से एकदम रिवाइव करने के लिए काम आएगी। सिंपल इस तरीके से कॉटन ले लीजिए एंड आपके चेहरे के ऊपर इसको डेप डेप करना है, ताकि ये पानी आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, पेनेट्रेट हो जाए। जो भी आपकी स्किन के ऊपर डैमेज हुआ है, भले ही आप घर में रहते हो, फिर भी जब हम कुकिंग करते हैं तो उसमें से जो भी भाप निकलती है, हल्की भाप, उससे हमारी स्किन डैमेज होती है। जब आप घर का कुछ भी काम करते हो तो डस्ट वगैरह आपके चेहरे के ऊपर चिपकती है, तो जिससे हमारी स्किन डल पड़ने लगती है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो ऐसे में ग्रीन टी का पानी आपकी स्किन को रिफ्रेश करने के लिए, और इसको स्पेशली अगर आप ठंडा ठंडा करके लगाते हो ना, तो मानसून में और भी ज़्यादा इसका क्या बोलते हैं, और भी ज़्यादा लगाने का मन होता है। क्योंकि ठंडा ठंडा जब आप आपके चेहरे के ऊपर लगाते हो ना, तो एकदम फ्रेशनेस आपको फील होता है। एंड खास करके ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, आपकी ग्रीसी एंड ऑयली स्किन को कम्प्लीटली ऑयल फ्री रखने के लिए काम आएगा। जस्ट इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए, डेप डेप कर लीजिए एंड छोड़ दीजिए आप इसको। बिल्कुल भी आपको पानी से भी आपका चेहरा धोने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप देख सकते हो, यही पानी को यूज़ करके आप एक इंटरेस्टिंग और डिफरेंट तरीके से आपके चेहरे की देखभाल कर सकते हो। यही पानी की आप आइस क्यूब बना लीजिए एंड आपके चेहरे के ऊपर डेली एक आइस क्यूब से मसाज कीजिए। मेरा छोटू सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू एंड आई लव यू ऑल सो मच।